हाई एवरी वन वेलकम बैक टू स्टडी आई क्यू चैनल इंडिया और फ्रांस ने एक अग्रीमेंट साइन करा है गगनयान के लिए गगनयान आपको पता होगा हमारा पहला ह्यूमन स्पेस मिशन रहेगा बहुत वी वर सपोज टू सेंड इट इन दो हज़ार बाईस लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ये एक्सटेंड हो गया है लेकिन फ्रांस के पास मतलब बेसिकली हम यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि हम हमारे इस मिशन को वन ऑफ़ दी मोस्ट सक्सेसफुल मिशन बना सके सी देखो इंडिया अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के अंदर हमको एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है और इट इज़ वेरी रिस्की ऑल्सो जब आप कोई एक सिंपल स्पेसशिप सिंपल अगर आप मिशन भेजते हो जैसे कि हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था तो उसमें ह्यूमन लाइफ का रिस्क नहीं है उसमें पैसे का रिस्क है कि अगर वो मिशन किसी भी तरीके से अनसक्सेसफुल या फेल हो गया तो उसमें आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे दैट इज़ ए जेन्यून कंसर्न लेकिन जब आपके मिशन पे ह्यूमन लाइफ जा रही होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत गुना बढ़ जाती है ऐसे में उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए सिक्योर करने के लिए इंडिया ना सिर्फ रशिया से हेल्प ले रहा है यूरोपियन काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है उनसे भी इंडिया हेल्प ले रहा है और ये एक ऐसी हेल्प है ना जो इट्स नॉट लाइक कि हम खुद नहीं कर रहे इसलिए हम स्टेट इन आर टेक्नोलॉजी वी आर डूइंग स्टेट इन आर टेक्नोलॉजी इन मेनी थिंग्स हम कर रहे हैं लेकिन ऐसे में कुछ कंट्रीज आगे 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 आकर खुद भी हमारे इस पहले ह्यूमन मिशन ह्यूमन स्पेस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर रही है तो ऐसे में इंडिया और फ्रांस ने एक अग्रीमेंट साइन करा है जिसमें गगनयान स्पेस मिशन के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ को ट्रेनिंग को कि जहाँ पे फूड जाएगा वो फूड की पैकेजिंग फूड की पैकेजिंग का जो कवर होगा ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको भी बताती जाऊँगी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्पेस मिशन के अंदर इसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं मेरा नाम संतोष है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर लिटिल अंडर स्कोर सिंपल सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी

क्या अग्रीमेंट में हुआ है इसरो ने सबसे पहले तो जो फ्रेंच की एजेंसी है स्पेस नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ उनको बोला है कि हमको गगनयन मिशन को प्रिपेयर करने में हेल्प चाहिए और ऐसे में हम फ्रांस के साथ में एक सिंगल यूरोपियन कॉन्टैक्ट बनाएंगे इसके साथ में बाकी देखो एक हम नोडल यहाँ पे सेंटर एक सिंगल यूरोपियन कॉन्टैक्ट बना के उसके बाद में अगर जैसे हमको जर्मनी से हेल्प लेनी है या हमको अगर किसी और कंट्री से हेल्प लेनी है तो हम वहाँ से हेल्प लेते जाएंगे तो इस एग्रीमेंट के अंदर सी एन सी जो हमारा नेशनल सेंटर्स फॉर स्पेस स्टडीज़ है इसका ये फ्रेंच नेम है जिसके नाम पे सी एन ई एस बनाया गया है तो ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो है ये इंडिया के फ्लाइट फिजिशियंस को ट्रेन करेगी कैप्सूल कम्युनिकेशन जो है कंट्रोल टीम का जो होता है वो फ्रांस के अंदर होगा एट कैडमोस सेंटर और माइक्रो ग्रेविटी की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको डिज़ाइन करा जाएगा उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए उस प्रोजेक्ट को हेल्प करी जाएगी जहाँ पे कहाँ पे टोलो यूज और यूरोपियन एस्ट्रोनॉट एजेंसी जर्मनी के अंदर नाउ इसमें देखो मैंने क्या बताया कि एक सिंगल यूरोपियन कॉन्टैक्ट बना के हम हमारा अपना बाकी यूरोपियन नेशंस के साथ भी हेल्प लेंगे तो ऐसे में जर्मनी का जो यूरोपियन एस्ट्रोनोट सेंटर है ये भी हमारी हेल्प करेगा और सी एन ई एस तो कर ही रहा है दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आए हैं यहाँ पर पहला है कैप्सूल कम्युनिकेशन कैप्सूल कम्युनिकेशन क्या होता है ओके okay, अगर आपने कोई भी स्पेस मिशन का मूवी देखा है चाहे वो मार्शियन देखा होगा चाहे वो इंटरस्टेलर देखा होगा कोई भी अगर मूवी देखा है तो आपने देखा होगा कि जो एक अर्थ स्टेशन होता है और एक जो रॉकेट होती है वहाँ पे हमारा एक कम्युनिकेशन करते हैं हम नाउ इस कम्युनिकेशन के अंदर अर्थ स्टेशन पे एक पर्सन बैठता है प्लस यहाँ पे जो इनका टीम लीडर होता है या किसी एक पर्सन को असाइन करा जाता है वो दोनों डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तीन चार लोग जो हैं वो अपनी अपनी बात यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते रहेंगे नहीं इससे क्या होता है एक तो ट्रस्ट का इशू रहता है कि आप सिर्फ़ इस पर्सन को एक्सवाइजेड पर्सन को असाइन करा गया है कि अर्थ से अगर कुछ भी बात कम्युनिकेट करनी है तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसी के थ्रू बात कम्युनिकेट करी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो मिसकम्युनिकेशन ना हो ट्रस्ट का इश्यू ना हो क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीमली uh, आप ऐसे बोलिए कि मतलब छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है इसमें तो ऐसे में ये दिस इज लाइक कि मान लीजिए मिशन में कोई भी फेलियर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है तो हुम दे विल टॉक हुम दे विल कन्वे जिसपे उनको सबसे ज्यादा यकीन है सिमिलरली मिशन के अंदर भी एक ही इंसान को यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा जाता है इनके बीच में डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है ये पर्सन अर्थ पे अपनी बात जो है इस पर्सन वाई पे अपनी जो मिशन पे है स्पेस में है उनके साथ कन्वे करता है अगर मिशन में पाँच लोग हैं तो पाँचों लोगों के साथ वो अलग अलग कॉल करके बात नहीं करेगा अनटिल अनलेस इट इज नेसेसरी ताकि किसी भी तरह का मिसकन्फ्यूजन के यही उस या बहुत ज़्यादा आवाज़ या नॉइज़ ना हो वहाँ पे इसलिए इसको क्लियर रखा जाता है कम्युनिकेशन चैनल को कि मान लो कोई भी इमरजेंसी आ गई तो बिना मतलब के बातचीत करके हाँ हाँ और बताओ क्या खाया क्या पिया आज चाय में क्या थी अरे मेरे चाय में आज तो बहुत ठंडा खाना हो गया था एक्सरसाइजेड ऐसे बातें नहीं करनी है ताकि वो कम्युनिकेशन मतलब चैनल हमारा फ्री रहे और एक ही इंसान से बात हो ताकि किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना हो तो ये होता है कैपकॉम कैपकॉम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती है लुकिंग एट कि इस मिशन में हम पहली बार मिशन भेज रहे हैं राइट right? है तो हमारा स्पेस पे अर्थ पे जो हमारा कैपकॉम कैप्सूल कम्युनिकेशन का जो मिशन का जो कंट्रोल रहेगा वहीं से हम सारी डीलिंग करेंगे वहीं से हमको सारा पता चलेगा कि हमारा मिशन कितना सक्सेसफुल जा रहा है नहीं जा रहा है जो हमने हमारे एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं उनकी हेल्थ कैसी है हाउ आर दे फीलिंग उनको कोई दिक्कत तो नहीं है और यहीं से एक ही पर्सन यहाँ से कम्युनिकेट करेगा सीधा सो दिस कैपकॉम इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी एप्लीकेशन माइक्रो ग्रेविटी क्या होता है माइक्रो देखो दो चीज़ें होती है एक होता है जीरो ग्रेविटी एक होता है माइक्रो ग्रेविटी आइडियली आपको जीरो ग्रेविटी कभी नहीं मिलेगा मतलब हर एक चीज़ का मतलब एक प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ग्रेविटी क्या होती है मास के अकॉर्डिंग होती है जैसे ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि वो टाइम को इन स्पेस को भी अपने अंदर ले, ले लेता है तो जीरो ग्रेविटी इज टोटल ऑफ ग्रेविटी होता होता है है इसके अंदर आपको बिल्कुल वेटलेस फील माइक्रो ग्रेविटी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जीरो ना हो के बहुत बहुत कम माइक्रो ग्रेविटी होती है कि आप बिल्कुल ऊपर वेटलेस फील करते हो उड़ रहे होते हो जैसे कि आपने देखा होगा आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारा अगर आपने कोई भी स्पेस के अंदर कुछ भी देखा है जैसे आपने अगर कल्पना चावला के प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं तो उसमें भी आप देखोगे कि वो स्पेस में ऐसे लगता है कि उस उसमें हमारे जो स्पेसशिप शिप हमने भेजा है उसके अंदर आराम से ऐसे फ्लाई कर रहे हैं हवा में तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दि वेटलेसनेस क्योंकि ग्रेविटी उनको होल्ड करके नहीं रख पाती है और ये इसका ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसे ग्रेविटेशनल नाइन पॉइंट वन के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हैं कि हमको बिना ग्रेविटी की आदत नहीं है हमारे मतलब लाइक हमारा बॉडी उस तरीके से बायोलॉजी हमारा उस तरीके से अडेप्टेड नहीं है ऐसे में हम लोग काम भी नहीं कर पाते तो माइक्रो ग्रेविटी का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें इस तरीके की पूरी कंडीशन क्रिएट करी जाती है जहाँ पे ग्रेविटी को मिनिमम मिनिमम जितना पॉसिबल है जितने उसमें हमारे स्पेस स्टेशन में रहेगा उतना ग्रेविटी का करके यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उस ट्रेनिंग उस उस एनवायरमेंट के अंदर खुद को अडॉप्ट कर सके उसमें किस तरीके से उनको काम करना है किस तरीके से खुद को हैंडल करना है खाना है हर एक चीज़ का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके साथ ही ये जो एग्रीमेंट है ये फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है ये इसमें हमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे जो लाइक पूरा हम एक्सपेरिमेंट क्या क्या करेंगे उसका वेलिडेशन फूड पैकेजिंग के एक्सचेंज इंफॉर्मेशन क्योंकि यहाँ से जो हमारे स्टोडेंट्स जाएंगे उनको वहाँ पे वो जाके कुक तो कर नहीं सकते हैं, तो उनको पैकेज फूड भेजते हैं हम उस पैकेज फूड के को ही वहाँ पर गर्म करके खाया जाता है तो ऐसे के अंदर क्या न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होगा उनका ये फूड पैकेजिंग जो करी गई है ये पैकेजिंग का मटेरियल कैसा होगा क्योंकि ये फायर प्रूफ कैरी बैग भी होंगे इसमें यहाँ पे ताकि जो शिप के इक्विपमेंट्स हैं क्योंकि जब एटमोसफियर में क्या एयर है एयर से फ्रिक्शन जनरेट होता है तो जब शिप हमारा एटमॉस्फियर से बाहर जाता है या स्पेस से वापस अर्थ पे आता है तो बहुत तेज फ्रिक्शन होता है आग सी लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा शॉक्स लगते हैं मतलब धड़ 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 दर शॉक्स होते हैं उनसे बचाने के लिए प्लस स्पेस में जब जाएंगे तो एटमोसफियर उनको प्रोटेक्शन के लिए नहीं रहेगा तो वो जो रेडिएशन्स आएंगे उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए फायर प्रूफ कैरी बैग्स हैं वो फ्रांस के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे अच्छा इसके साथ ही में कुछ फ्रेंच इक्विपमेंट भी हैं जो फ्रेंच की स्पेस एजेंसी ने ऑलरेडी डेवलप करके रखे हैं टेस्ट करके रखे हैं और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ऑलरेडी ऑपरेटेड हैं तो इन सारी चीज़ों को हमारे क्रू के लिए इंडियन क्रू के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा ये जो कॉपरेशन है ये फ्यूचर में जो पैराबोलिक फाइट होती हैं उनके लिए भी इसको एक्सटेंड करवाया जाएगा पैराबोलिक फ्लाइट क्या होती है पैराबोलिक फ्लाइट में हम एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग सेंटर्स उनको ट्रेनिंग में यूज लेते हैं और ऐसे में ही एक टेक्निकल सपोर्ट कंस्ट्रक्ट करा गया है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर आप हमारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंट्रोल सेंटर बनाया गया है वहां पे बेंगलोर में एक पैराबोलिक फ्लाइट के लिए भी बनाया गया है क्वेश्चन ये है पैराबोलिक फ्लाइट क्या है एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको ध्यान से सुनना आपने कभी वो ऐसे गोल गोल राउंड वाला झूला होता है कभी खाया है उसमें लाइक हम लोग यहाँ पे बैठते हैं मैं भूल गई उसको क्या बोलते हैं बट व्हील बोलते हैं

जो स्पीड होती है वो आपको बिल्कुल एकदम माइक्रो ग्रेविटी या ज़ीरो ग्रेविटी फील नहीं होगा क्यों क्योंकि स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है अच्छा अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रेवल करा है तो फ्लाइट में इन जनरल इतना ज़्यादा फील नहीं होता है वैसे बट मैं फिर भी आपको एग्जाम्पल दूंगी कि Um, नहीं फ्लाइट में एक्चुअली फील नहीं होता है झूला इज़ द वन ऑफ़ द बेस्ट एग्जांपल यू कैन हैव हियर तो पैराबोलिक फ्लाइट जो है यहाँ पे ये यह स्टडी अपने ओरिजेंटल फ्लाइट है यहाँ से चलती है यहाँ से स्पीड बढ़ा के ऊपर जाती है तो यहाँ पे जब स्पीड बढ़ा के ऊपर जाती है अच्छा ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जब फ्लाइट चलती है या इस झूले में जब आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो तो आपको सडनली बहुत हेवी फील होता है ऐसा लगता है नीचे की तरफ कोई खींच रहा है तो वो होती है हाइपर ग्रेविटी ग्रेविटी बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे क्योंकि आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचती है लेकिन एक स्पीड पे पहुंचने के बाद एक एल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद ये वाला जो पर्टिकुलर जोन है दिस जोन इज नॉन एज दी माइक्रो ग्रेविटी जोन इस माइक्रो ग्रेविटी जोन के अंदर ये लगभग 40 सेकंड्स का फ्री फॉल देता है आपको इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे पढ़ो पैराबॉलिक फ्लाइट जनरेट्स फ्री फॉल यहाँ पे ये दिस पोर्शन ऊपर और नीचे जाने में फ्री फॉल जनरेट होता है क्योंकि फ्लाइट का जो एक्सेलरेशन है फ्लाइट की जो स्पीड है वो ग्रेविटी की स्पीड को कैंसिल कर रहा है मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और उस कैंसिल आउट में हमको ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो फील हो रही है माइक्रो ग्रेविटी फील हो रही है सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जब हम हमारे हम एस्ट्रोनोट्स को ट्रेन करते हैं अच्छा ये तो बात हो गई पूरा कि क्या एग्रीमेंट हुआ है थोड़ा सा एक बार गगनयान के बारे में आई एम श्योर आपको पता होगा पर थोड़ा सा मैं क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ गगनयान जो है ये 2003 के अंदर सबसे पहले इसको लेके इसको लेके डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि हमको अपना स्पेस मिशन भेजना चाहिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भेजे गए तो थोड़ी पॉलिटिकल विल नहीं थी कभी फंडिंग का इशू आ गया था कभी टेक्नोलॉजिकल इशू आ गया था बहुत बार ये बस्ते में पड़ा रहा एक बार तो ऐसा मौका आ गया था कि लगा कि हम कभी भेज ही नहीं पाएंगे लेकिन 2014 के बाद में हमारे प्रेजेंट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में इस मिशन को फिर से रिवाइव करा गया फिर से इसपे काम चालू करा गया तो जब नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 को बोला था कि हम पहला स्पेस मिशन भेजेंगे ह्यूमन स्पेस मिशन भेजेंगे 2022 में तो ये ऐसे हवा में ठंडी बात नहीं करी थी इन्होंने ये 2018 में जो अनाउंसमेंट हुआ इसकी तैयारी उससे 10 साल पहले शुरू हो चुकी थी तो हमने बहुत सारे टेस्टिंग्स कर लिए थे कि हम किस तरीके से एक पूरा बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा क्या ब्लूप्रिंट होगा मिशन का हम जो री एंट्री कैप्स स्पेस कैप्सूल्स होते हैं क्या होते हैं जैसे आपने किसी मूवी में देखा होगा ग्रेविटी अगर आपने मूवी देखी है नहीं देखी है तो देखना ग्रेविटी एक मूवी है सेंट्रल पल की वो बहुत अच्छी मूवी है उसमें वो क्या होता है कि आप अब एक एक छोटे से कैप्सूल के अंदर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स से हैं इनको सेफली यहाँ पे हमको एंटर करवाना है अर्थ में सेफ होना चाहिए वो तो ये जो री एंट्री होती है स्पेस कैप्सूल की क्योंकि अर्थ में एयर के फ्रिक्शन की वजह से जैसे मिटेरॉइट होता है वो जल जाता है ना सिमिलरली इट में भी फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत ही शॉक लगता है इसमें ये खराब हो जाता है इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं बहुत हाई स्पीड से आता है फ्रिक्शन बहुत हाई होता है इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस तो इसी को री री एंट्री को हमने सक्सेसफुली कर लिया है टेस्ट मतलब मान लो फटाफट से खत्म कहीं मान लो कि कुछ भी दिक्कत दी कि उसको अबॉर्ट 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 कर दो स्पेस क्रू का इजेक्शन मैकेनिज्म मान लो इनकेस जिस रॉकेट से हम भेज रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ गई है तो स्पेस क्रू जो हमारा जा रहा है जो हमारा एस्ट्रोनोट जा रहे हैं दो एस्ट्रोनोट या तीन एस्ट्रोनोट्स अभी हम भेजेंगे तो उसके उसमें मामले में रॉकेट चाहे जल जाए रॉकेट को चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे क्रू को एक आंच तक नहीं आनी चाहिए तो इसमें उनको एक अलग से कैप्सूल में रखा जाता है कि इनकेस अगर रॉकेट फेलियर हो जाए तो पर इनको अलग से इजेक्ट कर दिया जाएगा इसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाएगा और ये सेफली अर्थ पे लैंड कर जाएगा फ्लाइट सूट कैसे पहने जाएंगे और हमें से जी एस एल वी मैक थ्री से लॉन्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुकी हैं हम करेंगे क्या क्यों बना रहे हैं हम गगनयान गगनयान में हम छह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें चार बायोलॉजिकल होंगे कि पेड़ पौधे वहाँ पे कैसे उग रहे हैं उनका बिहेवियर है, कैसा हो रहा है और दो हम फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट करेंगे माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड और इसीलिए फ्रांस के साथ जो हमारा माइक्रो ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ है इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अच्छा इसरो ने एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ करी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसरो ने जो हाइड्रोजीन होता है जो हमारी स्पेस फ्लाइट के अंदर फ्यूल होता है इसको रिप्लेस कर दिया है इसरो की एक, एक एजेंसी है लिक्विड प्रपलसन सिस्टम सेंटर्स जितना भी फ्यूल जाता है रॉकेट्स के अंदर जी एस एल वी पी एस एल वी हमारे स्पेस मिशन के अंदर वो फ्यूल यहाँ पर लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम के अंदर रेडी होता है तो ये एल पी एस सी इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ए मोनोप्रपलेंट ब्लेंडेड फार्मुलेशन होगा जिसके अंदर हाइड्रोक्सलिन अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट मेथनॉल एंड वाटर इन सबको मिला के एक नया फ्लूड एक नया फ्यूल तैयार करा जाएगा वो फ्यूल हमारे गगनयान में गगनयान को लॉन्च करने में मतलब जी मैक थ्री के अंदर पर्टिकुलरली काम आएगा ये जो अम, रशिया के साथ ऑलरेडी हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज के उन हमने उनसे सिलेक्शन प्रोसीजर में भी उनकी हेल्प ली है मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको किस तरीके से ट्रेन करना है ट्रेनिंग भी बहुत लंबी होती इट्स वेरी वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ दी द होल स्पेस मिशन तो ऐसे में मॉस्को रशिया इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस कि हमको किस तरीके से जो की टेक्नोलॉजिकल सेटअप्स हैं कंस्ट्रक्शन हैं उनको स्टैब्लिश करना है स्पेस में कैसे लाइफ सपोर्ट को फैसिलिटेट करना है इन सारी चीज़ों के बारे में रशिया इज हेल्पिंग एस तो दिस इज इट कि किस तरीके से गगनयान को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना सिर्फ रशिया से बल्कि यूरोपियन कंट्रीज से भी हम हेल्प ले रहे हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 सक्सेसफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग मिशन सो लेट जस्ट होप कि एवरी थिंग गोज गुड एंड वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल मिशन इन द फ्यूचर अभी डिले हो गया है थोड़ा अभी इसमें शायद दो हजार तेईस इस में इसको लॉन्च करा जाएगा सो लेट जस्ट सी एंड दिस इज इस दिस इज इट इस वीडियो का पी डी एफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट ऑल्सो You can just drop me a text on my Instagram, little underscore simple underscore Buddha. And that is it. I'll see you guys in the next video. Till then, be happy. Jai Hind.